बीज लेनी है वो है मेथी दाना, बीज लेने हैं मेथी दाना। आज मैं आपको मेथी दाना से वजन कम करने की टिप बताने वाली हूँ। मोटापा ऐसे गायब हो जाएगा, यकीन माने मेथी दाने के अंदर ऐसी अल्लाह पाक ने कुदरत रखी है कि वो चर्बी को पिघलाता है। कभी आप मेथी, वैसे भी पत्तों वाली मेथी भी आप खाओ तो यकीन माने इतनी गर्म होती है कि आपका मोटापा बिल्कुल ऐसे खत्म करती है। आप वैसे भी आप मेथी का सालन खाना शुरू कर दें या मेथी की भुजिया खाना शुरू कर दें तो यकीन माने आपका बहुत जल्दी वजन कम होता है। नंबर दो, आज मैं आपको तीन टिप बताऊंगी आपने क्या करना है। मेथी आप पकाकर भी खा सकते हो और मेथी दाना वैसे ले लें। अगर आपको फर्क ना पड़े ना तो फिर कहिएगा। आपने क्या करना है, यकीन माने ऐसा नुस्खा है 7 दिन के अंदर कितना भी मोटा पेट हो, कितना भी मोटा इंसान हो, ऐसे पतला हो जाना है ना, बस क्या ही लाजवाब नुस्खा है। बहुत से लोगों को इस्तेमाल करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, काफी लोगों को फर्क पड़ा। 7 दिन में आपकी हर किस्म की चर्बी जिस्म से पिघल जाएगी। अच्छा, इसका एक और भी है, जब आपने मेथी दाना खाना है, जब आपका जिस्म हीटेबल होगा, फिर आपने किसी ऐसे रूम में बैठना है जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो और आपको गर्मी फील हो। अगर इसके साथ आप ग्रीन टी जो बाजार से मिलती है ना टिपाल वालों की या किसी भी कंपनी की, आपने वो ले लेनी है जो टी पैक होते हैं, बस इसके ऊपर आपने गरम गरम दूध से ना ग्रीन टी बना के पी लेनी है। यकीन माने इतना वेट लॉस होना है ना कि आप सोच नहीं सकते। एक टिप नंबर एक है, आज मैं आपको दूसरी टिप नंबर दो है वो भी बताऊंगी कि आपने क्या करना है। आपने मूली ले लेनी है, आपने मूली, यकीन मानिए कि मूली इतना वजन कम करती है ना कि आपकी सोच है। मूली काट कर आप खाएं, ठीक, इससे इतना वजन कम होगा। एक तो आपको कब्ज की बीमारी नहीं होगी, कब्ज शुरू होती, हमने जहां तक तहकीक की है या हमें मतलब कि पता लगा है, जब इंसान को कब्ज होती है या पेट में खराबी होती है तब मोटापा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जिन लोगों को कब्ज की शिकायत होती है उन्हीं को मोटापा शुरू हो जाता है। आपने क्या करना है, मूली लेनी है। मूली खुद तो गलती नहीं है, लेकिन जिस्म में चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, कितनी भी चर्बी इंसान के उसको गला के रख देती है। अल्लाह पाक ने इसके अंदर ऐसा कोई तेजाब नुमा कोई चीज डाली हुई है इंसान के खानों के लिए। तो यकीन माने मूली आप काटें, मूली काट के तो उसको ग्राइंड करें, उसका पानी है, पानी नमक डाल के उसका पानी घटाघट पी जाए। बेशक मूली आप ऐसे खा लें, रोजाना सुबह शाम खाने के साथ मूली का इस्तेमाल करें। टिप्स नंबर दो। टिप्स नंबर तीन, खीरा ले लो, 4 खीरे लो, लीमू निचोड़ के ऊपर छील के उनको लीमू निचोड़ के आप खीरे को खाना शुरू कर दो। ये 3-4 ऐसी चीजें आप यकीन माने कि आप इनका इस्तेमाल करो। मैं कहती हूँ 1 हफ्ता जो मेरा बहन भाई इस्तेमाल करेगा, यकीन माने उसको कभी मोटापा हो गया या मोटापा उसका खत्म ना हो, अपना वजन करवो। मेरी टिप्स इस्तेमाल करनी है कोई सी भी, मैं गारंटी से टिप्स कर देती हूँ। तो आपने पहले वजन करवाना है, आपका वजन कितना, आप फिर मेरी टिप इस्तेमाल करो मेरे बताए हुए तरीके से, तो फिर देखिए आपका वजन कैसे कम नहीं होता। एक तो इन चीजों से भूख नहीं आपको लगेगी, अगर भूख लगती भी है तो बीच में थोड़ा बहुत जो रूटीन वाइज खाना है वो खाएं। मैं आपको खाना खाने से मना नहीं करती, लेकिन फास्ट फूड से, मीठे से भी मना करती हूँ, क्योंकि मीठा और फास्ट फूड आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी के साथ इजाजत दें, मैं हूँ डॉक्टर सारा, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप पसंद आई, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ डॉक्टर सारा, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आप तक पहुँच जाए, और इस बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि जैसे ही वीडियो पोस्ट हो तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपका कोई परेशान दोस्त है या आपका कोई फ्रेंड है आप उसको भी ये वीडियो पोस्ट कर सकते हो ताकि उसकी मदद की जा सके। एक इंसान की मदद करना ऐसे है जैसे पूरी दुनिया के इंसानों की, परेशान हाल लोगों की मदद करना। इजाजत है, अल्लाह हाफिज। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच